एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा न्यू फ्रेंच ब्राइड हेयर स्टाइल है। फ्रेंच ब्राइड तो हमने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनेगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा हेयर लेना है यहाँ से, और आपको इसमें इस हेयर स्टाइल में दो पतले वाले रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ये दो पतले वाले रबड़ बैंड से आप बना लोगे, तो सिंपली आपको यहाँ से इस तरीके से हेयर लेना है। ओके, और यहाँ पे एक आपको रबड़ बैंड लगा देना है। रबड़ बैंड लगाने के बाद इसको थोड़ा सा टाइटली करना है, इसको बीच से डिवाइड करके और अंदर से हॉल करके, इस हॉल के अंदर से जो आपकी पूनी है उसको अंदर से खींच लेना है और टाइट कर देना है। ओके, इस तरीके से टाइट करने के बाद से जो आपका ये हेयर है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक साइड के लेयर को आपको सिंपली इधर क्लच करके दबा देना है, ताकि आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। अभी आपको जो ये वाला लेयर बचा है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, सॉरी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, और सिंपल ब्राइड बनाना स्टार्ट करना है। अब आपको जैसे आप फ्रेंच चोटी बनाते हो वैसे ही थोड़ा थोड़ा लेयर लेके इसके साथ ब्राइड के साथ गूंथते जाना है इसको। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लेयर लेके पूरा ब्राइड को रेडी करना है नीचे तक। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा हो गाइस। ओके, इसी तरीके से बनाते जाना है एंड तक। जब आपका एंड तक बन जाए फिर ये वाला क्लचर निकाल के इसको इधर सेट कर देना है, ताकि आपका ये ब्राइड खुले ना। फिर सेम इसी तरीके से आपको दूसरा जो आपने लेयर छोड़ा था इसमें बनाना है। इसी तरीके से जैसे हमने बनाया था सेम उसी तरीके से इस साइड भी पूरी ब्राइड को रेडी करना है। इसको भी पूरा नीचे तक एंड तक गूंथने के बाद से सिंपली ब्राइड बना देनी है। ओके, उसके बाद से ये वाला लेयर भी लेना है साथ में, और सारे हेयर को एक साथ लेके एक और रबर बैंड लगा देना है आपको।
ओके, बाकी जो आपका हेयर बचा हुआ है उसमें आपको यू पिंस की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों को एक साथ चिपका के और यू पिन से अटैच कर देना है, तो काफ़ी प्यारा सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। तो मैं यू पिंस ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यू पिंस ले लिए हैं और इनको दोनों ब्राइड्स को बस ऐसे साथ में चिपकाते हुए यू पिंस लगाते जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये फ्रेंच ब्राइड ब्रेड हेयर स्टाइल? बिल्कुल न्यू है और यूनिक सा है थोड़ा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो, न्यू फ्रेंच ब्राइड ब्रेड हेयर स्टाइल। जहाँ जहाँ आपको लगे कि गैप दिख रहा है वहाँ पे आप इस तरीके से यूपिन की मदद से जोड़ सकते हो। और मैंने ये खुद से बनाया है, आप किसी और के बालों पर करोगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये है इसका फाइनल लुक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसी तरीके की अमेजिंग न्यू हेयर स्टाइल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगी। बाय बाय। और यहाँ से आपको अगर लगे कि बहुत फ्लैट लग रहा है तो आप खींच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से अगर उठा उठा लगे तो आप एक यू पिन लेके और लगा सकते हो। बाय।